फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा जियो पॉज प्लस 12.6.4 में रिचार्ज या टॉप अप आप किस तरह से कर पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और आपको बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी जियो पॉज प्लस में आप किस तरह से रिचार्ज कर पाएंगे। तो अपना ऐप आप इस तरह से ओपन करेंगे, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐप चालू करने से पहले आपको अपना वाईफाई ऑन करना होगा। यहाँ पर अपना वाईफाई ऑन करेंगे, उसके बाद ही आप जियो पॉज प्लस में रिचार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वाईफाई ऑन कर लिया है, और यहाँ पर जो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर ने जो आपको अपनी आईडी दी, वो यहाँ आपको ऊपर डालनी होगी, और आपको नीचे पासवर्ड डालना होगा जो आप रिचार्ज करने के लिए काम में लेते हैं। आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देते हैं, तो आपको यहाँ पर आप किस तरह से रिचार्ज पर कर पाएंगे उसकी जानकारी मैं दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ओपन हो चुका है, मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइन दिख रही है, यानी 3 लाइन शो हो रही है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन शो होता है, और यहाँ पर आपको बीच में रिचार्ज का ऑप्शन शो हो रहा है, वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का एक नया इंटरफेस शो होता है, और यहाँ आपको टॉप अप, रिचार्ज और एड ऑन का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर 2 बार डालने होंगे। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर आप 2 बार डाल देते हैं, एक बार डॉट डॉट में शो हो रहा है, और एक बार आपको अपने नंबर एक नंबर दिख रहे हैं। तो यहाँ आप नीचे क्लिक कर देंगे, यहाँ आप नीचे क्लिक कर देंगे तो आपको सारे टॉपअप के प्लान यहाँ पर शो हो जाएंगे। टॉपअप पर क्लिक किया आपने इसलिए, तो यहाँ पर सारे टॉपअप के प्लान जो शो हो रहे हैं, उसमें से जो भी आप टॉपअप करना चाहें वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको टॉप अप नहीं कर कोई मंथली प्लान करना है, या 2 महीने का प्लान करना है, या 3 महीने का, या साल भर का प्लान करना है, तो आप रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। रिचार्ज पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप इसे स्क्रॉल कर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार या कस्टमर की ज़रूरत के अनुसार जो रिचार्ज बोला है कस्टमर ने, या अमाउंट बताया है, या आप जो रिचार्ज उसे करना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से बता पाएंगे उसे। आपको हर तरह के प्लान इसमें शो हो जाएंगे रिचार्ज संबंधी, और टॉपअप का मैंने पहले बता दिया था आपको। तो ये रिचार्ज संबंधी सारे आप स्क्रॉल करके देख पाएंगे। आप अगर MNP करते हैं तो वो रिचार्ज भी आपको इसमें शो हो जाते हैं, तो वो MNP करेंगे उस समय शो होगा, लेकिन अभी आप इसमें देख पा रहे हैं काफ़ी सारे रिचार्ज हैं। इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, जिस पर आप क्लिक करेंगे, वो रिचार्ज आप यहाँ पर कर पाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक टॉपअप रिचार्ज करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ रिचार्ज किस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पर एक 10 रुपये का टॉपअप सेलेक्ट करता हूँ, या नीचे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ नीचे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। तो मैं कैश पर क्लिक करूँगा, तो कैश पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक ऑप्शन बिल शो होगा यहाँ पर, जो रिचार्ज का होगा। मैंने मेरे ही नंबर पर रिचार्ज किया, तो ये मैसेज मुझे शो हो रहा है, ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ मैं इसे बैक कर देता हूँ, और यहाँ पर ये रिचार्ज मेरे हो चुका है, जो आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। तो आप भी अपना रिचार्ज कस्टमर के करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, जैसे मैंने लिया है, तो आप भी इस तरह रख सकते हैं। और यहाँ नीचे डन पर क्लिक कर देंगे तो रिचार्ज कन्फर्म हो जाएगा, और इस तरह आप बहुत आसानी से जियो पॉज प्लस में रिचार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पर आप और रिचार्ज करना चाहते तो आप फिर से और दूसरे नंबर पर रिचार्ज करने के लिए फिर से वही प्रोसेस आपको करना होगा, और इस तरह आप यहां से रिचार्ज करने के लॉग आउट हो जाएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से आप रिचार्ज कर पाएंगे। और ऐसे ही वीडियो आप जियो पॉज प्लस के और देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के द्वारा देख पाएंगे, और चैनल को लाइक शेयर एंड ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे और भी आपको वीडियो देखने को मिलते रहें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।